या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि पूजा हम लोग करते हैं, पूजा में पति का और पत्नी का एक बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ कि पूजा करते समय पत्नी का पति के किस ओर बैठना शुभ माना गया है, कहाँ पे बिठाना चाहिए, तो इसी विषय पे हम आज आपसे करते हैं चर्चा। हिंदू धर्म में पति पत्नी का एक साथ पूजा में बैठना अनिवार्य माना गया है। कहते हैं कि पति को कभी भी किसी भी पूजा में अपनी पत्नी के बिना नहीं बैठना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यही बात पत्नी पर भी लागू की जाती है। लेकिन कई बार इस पर सवाल उठता है कि पूजा में पत्नी को अपने पति के किस हाथ की ओर बैठना चाहिए। प्रश्न होता है, पूजा में पत्नी का पति की किस ओर बैठना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी को सदैव पूजा में अपने पति के दाहिनी ओर बैठना चाहिए। पूजा में पत्नी का इस तरह से बैठना शुभ माना गया है। कहते होमे श्राद्धे मखे दाने स्त्री तिष्ठति दक्षिण, दाहिनी तरफ, सीधे हाथ की तरफ। साथ ही हम कोई यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, स्नान करते हैं, देव यात्रा, विवाह इत्यादि में कर्म जो करते हैं, इसमें दाहिनी ओर बैठना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस बात का ध्यान रखकर उपरोक्त कर्म जो किए जाते हैं उनका सही फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि बैठने की दिशा उचित नहीं होने पर शुभ कर्मों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि यज्ञ, होम, व्रत, दान, देव यात्रा तथा विवाह इत्यादि के कर्मों में विधि पूर्वक करना चाहिए। इन सब के बीच पति पत्नी की बैठने की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पूजनीय व्यक्ति के चरण छूते समय, सोते समय, भोजन करते समय और पति पत्नी की दिशा का निर्धारण किया गया। कहते हैं कि चरण छूने से, सोने में, भोजन करने की क्रिया में पत्नी का स्थान पति के बाएं हाथ की ओर होना चाहिए। माना जाता है कि इन कार्यों में दिशा का पालन करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि दिशा के भूल जाने को किसी तरह का अपराध नहीं माना गया, बल्कि उसमें उस कार्य का अत्यधिक फल प्राप्त होने की बात कही गई है। तो मित्रों, हमने जो आपको ये बताया कि आपको किस दिशा की ओर आप कोई भी पूजन करने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो पत्नी का स्थान दाहिने तरफ। और वैसे भी जब विवाह इत्यादि संस्कार होते तो आपने देखा होगा कि जब तक सिंदूर दान नहीं होता है तब तक कन्या जो होती है वो सीधे हाथ पे बैठती। यावत कन्या न बामांगे तावत कन्या कुमारिका, और शक्ति है ब्रह्म के आगे भी शक्ति आगे ही चलती है। इसीलिए दाहिने हाथ अर्थात सीधे हाथ की ओर पत्नी को बिठाने का विधान पूजन में बताया गया। मित्रों, पुनः मिलते हैं ऐसे ही सुंदर ज्ञानवर्धक चर्चाओं को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।